हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस का आपका पार्ट 9 है, उसके अंदर मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो पहले हम पढ़ते हैं मूलभूत अधिकार के बारे में। मूलभूत अधिकार क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के पास हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्तव्य कौन कौन से होते हैं और सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, मानव के गौरव को बनाए रखने के लिए मानव की क्या क्या नीड होती है, मतलब उसको क्या क्या आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसका सम्मान हो, उसको समान अवसर हर जगह मिले, चाहे तो अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग का। तो उसको ध्यान में रखकर किसी मानव के सर्वांगीण विकास के लिए अगर किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को एक महासभा हुई थी जिसके अंदर एक घोषणा पत्र जारी किया था। क्या जारी किया था? उसके अंदर मानव अधिकार के बारे में बताया था कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो दिन 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? मानव अधिकार दिवस के रूप में। अब कौन कौन से, ये तो क्या हमारे ह्यूमन राइट्स है, अब हम पढ़ते हैं मूलभूत अधिकार कौन कौन से, फंडामेंटल राइट्स जो है। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलभूत अधिकार के अंदर आपका पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, 8th चैप्टर में पढ़ाया था संविधान में, तो संविधान में इन 6 मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया था। तो आज हम उसको और विस्तार से पढ़ते हैं। तो आपका पहला है स्वतंत्र समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या होता है? समान, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए संविधान के अंदर जो समानता के अधिकार के अंदर दो चीजें इंक्लूड की गई थी, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान रक्षण। कानून के समक्ष समानता के अंदर ऐसा किया गया कि कोई भी व्यक्ति का एक विशेष अधिकार ना, जैसे कोई जगह है, ठीक है, उस पर कोई एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं हो, ऐसा जिसके अंदर था कानून के समक्ष समानता, सभी का उस जगह पर अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। कानून का समान रक्षण, जिस जगह वो किसी भी धर्म, जाति या कैसा भी हो तो उसको देखकर कानून ना बनाए, राज्य सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे क्या हो, सभी लोगों का रक्षा हो। ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कानून, उसको मध्यनजर रखते हुए कानून का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किसके अंदर आ जाता है? समानता के अंदर। अब आप देखिए, अभी स्त्रियों और पुरुषों को क्या किया जा रहा है, एक समान अधिकार दिया जाता है नौकरियों में। तो ये प्रावधान किया गया था संविधान के अंदर कि स्त्री और पुरुष चाहे वो किसी भी व्यवसाय को करते हैं उनको समान रूप से वेतन मिलना चाहिए, अगर वो स्त्री है तो भी और वो पुरुष है तो भी, वो किसी भी जाति का क्यों ना। और इसके अंदर एक चीज और बताई गई थी कि पहले के जमाने में आप देखते थे ना, किसी के आगे लगाया जाता था सूबेदार, है ना, सर, सूबेदार और ये सब चीजें लगाई जाती थी, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जो सेना के आगे कर्नल वगैरह लगते थे उनको सम्मानित करने के लिए क्या किए गए, महावीर चक्र, भारत रत्न और इन पुरस्कारों को क्या किया गया, उनसे उन लोगों को सम्मानित करने के लिए कहा गया। तो जो बड़े बड़े जिसके आगे सर लगता था, सूबेदार लगता था, जमींदार लगता था, उनको हटा दिया गया, उनको विशेष क्या किया, अधिकार दिया नहीं गया। तो वो किसके अंदर आ गया? समानता के अंदर, के सभी को समान अवसर दिया जाए, चाहे वो व्यवसाय में हो चाहे किसी और क्षेत्र में। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या आता है, आपको हर चीज की स्वतंत्रता होती है, आप अपने जो मतलब है ना प्रॉब्लम होती है उसको भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, आपकी समस्या है उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कानून के सामने। आपको आपके है ना जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी है, वो आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र रूप से किसी को भी बता सकते हो। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। आपको कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, हर चीज के लिए आपको क्या की जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। यदि उसके अंदर एक आता है नजरबंदी या प्रतिबंधित गिरफ्तारी, वो क्या होता है, वो स्वतंत्रता के अंदर ही होती है। लेकिन यदि आपने कोई कानून भंग कर दिया, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया है, आप अपना कोई भी व्यवसाय करो, स्वतंत्रता के अंदर आप कोई भी नौकरी करो, आपका कोई व्यवसाय करो, कोई भी है ना धंधा खोलो, उसको आपकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन यदि उसके अंदर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कानून को भंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को नजरबंदी मतलब जेल के अंदर रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई कानून भंग
किया उसके उसको सजा देनी, ऐसा नहीं है। उसको खाली कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए क्या कर सकती है पुलिस, उसको नजरबंद कर सकती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित गिरफ्तारी। फिर उसको 3 महीने बाद उनको रिहा करना पड़ता है, जिससे क्या होता है लोगों को पता चले कि हमको स्वतंत्रता दी है, लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमको भी क्या होगा, नजरबंदी या प्रतिबंधित गिरफ्तारी होगी। तो समझ में आया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जैसे आप देखते हो अभी है ना, छोटे बच्चों की मजबूरी होती है ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं नौकरी करने जाते हैं, तो उनका शोषण हो रहा है एक तरह से कि छोटे बच्चों से आप काम करवा रहे हो, फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, जोखिम भरा जानती जोखिम भरे काम है, तो वो शोषण हो रहा है। दूसरा अभी आप देख रहे हो अभी लड़कियों का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, अभी के में क्या हो रहा है लड़कियों का शोषण हर जगह ज़्यादा होता है ना, आप एक तरह तो उसको क्या कर रहे हो स्वतंत्रता दे रहे हो, समानता का अधिकार दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उनका क्या हो रहा है शोषण हो रहा है स्त्रियों का लड़कियों का, तो उसके विरुद्ध भी आप क्या कर सकते हो आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपको है ना कोई टीचर भी अगर कुछ ज़्यादा बोलता है तो आप प्रिंसिपल को बोल सकते हो, यदि आपके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए, वो क्या करेंगे पुलिस को बताएंगे कानून को बताएंगे। तो शोषण के विरुद्ध आप क्या कर सकते हो, आपके पास अधिकार है, आप आवाज़ उठा सकते हो ताकि आपका शोषण ना हो। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता धर्म से रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता धर्म, आप चाहे कोई भी धर्म के, हमारे यहाँ पर कैसे भारत धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सारे ही धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सभी लोग क्या करते हैं अपने त्योहारों को अच्छे से मनाते हैं, सभी के मंदिर है मस्जिद है गिरजाघर है, सभी क्या करते हैं मिलजुल कर त्योहारों को मनाते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमारा देश कैसा है धर्म निरपेक्ष देश है। तो क्या किया गया संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आप अपने त्यौहार को क्या करते हो स्वतंत्र रूप से मना सकते हो, आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो प्रचार प्रसार कर सकते हो, और आप किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के प्रचार प्रसार करने से, या चाहे व्यक्ति किसी भी अगर हिंदू है अगर उसको मुसलमान धर्म का पालन करना हो तो भी आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये किसके अंदर आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर। उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक धर्म से रिलेटेड है, सांस्कृतिक मतलब जो हमारे आपने देखा अखंडता वाला देश है, विविध विविध लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी वेशभूषा अलग अलग होती, उनके त्यौहार अलग अलग होते होते या नहीं होते, तो उनको भी क्या किया समान अवसर दिया जाता है कि चाहे किसी भी संस्कृति के लोग रहते हो उनको पूरी स्वतंत्रता है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। फिर है शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार मतलब शिक्षा के क्षेत्र का अधिकार, चाहे वो अमीर हो गरीब हो मध्यम वर्ग का, उसको स्कूल में जाना जरूरी है, वो स्कूल में जा सकता है। इसीलिए क्या किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, क्या किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान दिया गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चे क्या निःशुल्क पढ़ सकते, ताकि क्या जो गरीब बच्चे वो भी क्या कर सके स्कूल के स्कूल में आके पढ़ सके। तो वो किसके अंदर आता है शैक्षणिक अधिकार के अंदर। और अगर कोई जैसे होटल है रेस्टोरेंट है इन सब में भी आप देखते हो ना कि बड़ी बड़ी होटल है तो वहाँ पे खाली अमीर लोग ही जाते, तो ऐसा नहीं है, हमने देखा था स्वतंत्रता का मतलब उनको सब जगह का अधिकार है, तो उनका जन्म स्थान देखकर लिंग जात पात और ये देखकर उनको ऐसा नहीं किया होटल रेस्टोरेंट या दूसरी जगह उनको आने ना दिया जाए, ठीक है। फिर आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको 8th चैप्टर में बताया था कि संवैधानिक जो उपचार होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्यों, यदि ये जो मूलभूत अधिकार दे रखे हैं उनका सही से पालन ना हो, ना कानून का सही से पालन हो, तो संवैधानिक मतलब संविधान का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, जैसे मैंने आपको 3 आपातकालीन परिस्थिति बताई थी, उन आपातकालीन परिस्थिति के अंदर ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है मूलभूत अधिकारों को स्थगित कर देता है, उस समय वो मूलभूत अधिकार हमारे लिए कोई काम के नहीं होते, कब, जब आपातकालीन परिस्थिति होती है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो क्या है, संविधान की आत्मा के समान है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा मतलब यदि आप उपचार करोगे तो ही देश का संचालन होगा ना, यदि कोई कानून अच्छा नहीं है किसी मानव के लिए अच्छा नहीं है किसी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं फिर भी वो कानून चलता रहा है तो वो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हमारी जो प्रशासन चल रहा है वो कैसा हो जाएगा,
बिगड़ जाएगा तो समय समय पर क्या किया जाता है, इसके अंदर संशोधन किया जाता है। तो आपको समझ में आया। और ये हक किसके पास होती है, ये सत्ता किसके पास होती है, संवैधानिक मतलब उपचार के अधिकार की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। तो आपको समझ में आया। तो ये छह तरह के हमारे क्या थे, मूलभूत अधिकार थे। अब हम आगे बढ़ेंगे मूलभूत कर्तव्य के बारे में। इसको नोट डाउन कीजिए। कर्तव्य। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागृत थे। मतलब पहले से हम हमारे कर्तव्य को निभाते, कर्तव्यों को, कब, जब हमको अधिकार भी नहीं मिले थे। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार नागरिक के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 में संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे कि भी हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य, अधिकार तो हमको दिए लेकिन हमारे कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति क्या क्या है, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति करना, वो किसका है, नागरिकों को प्रतिबंध बनाना था। ये किसका उद्देश्य है, हमारा मूलभूत कर्तव्य, हमारे कर्तव्य क्या क्या, जैसे हमारे घर के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, वैसे हमारे देश के प्रति कि भाई देश के लोगों में क्या आदर्श, अच्छे आदर्शों का, अच्छे मूल्यों का क्या करना, निर्माण करना, और उनको देश के प्रति उनकी उन्नति, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, उनको अपने कर्तव्य बताना। नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना या संभवतः योगदान दे। भाई किस में, देश को एक करने में, अखंड, उसको अखंड बनाने में, और सार्वभौमिकता सभी जगह एक। देश और समाज के प्रति, अब वो क्या क्या कार्य, देश के समाज के प्रति हम शांति बनाए, सुरक्षा, सद्भावना और सांप्रदायिक सौंदर्य की भावना बनाए रखने के लिए ये हमारे क्या है, कर्तव्य। जैसे देखो आपके यहाँ पर कुछ कर्तव्य दिए, संविधान का पालन करना, संविधान में व्यक्त आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर करना। ये क्या बोल रहे हैं कि संविधान, जो संविधान मैंने आपको 8वें पाठ में पढ़ाया था, उसका क्या करना, पालन करना, उसके अंदर जो जो कानून बनाए, जो जो हमको अधिकार दिए, उसका अच्छे से पालन करना, कानूनों का, जो आदर्श है उनका, हमारा राष्ट्रगीत जो है उसका, और राष्ट्रध्वज का क्या करना, हमेशा आदर करना। कैसे आदर करते, कहीं राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगीत मतलब राष्ट्रध्वज फहराते तो हमको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना, राष्ट्रगीत है तो हमको खड़े हो जाना, स्वतंत्रता संग्राम के उदत विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार आचरण करना। मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा क्रांति हुई थी उससे हमको प्रेरणा लेना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता का समर्थन करना, उसकी रक्षा करना। अब उसकी एकता, सार्वभौमिकता और अखंडता की हमको रक्षा करनी है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, सबके साथ एक भाव से रहना है, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना, उत्साहपूर्वक शामिल होना। यदि कोई देश की रक्षा के लिए हमको बोलता है, देशभक्ति दिखाने का टाइम, जैसे आप देखते हो ना आर्मी है, CRPF के जवान क्या करते हैं, बॉर्डर पर देश की रक्षा करते, तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना वृद्धि करना, सभी को बताना कि हम चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो लेकिन हम क्या है, आपस में भाई भाई है। लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे के बीच अच्छे विचार विमर्श करना, महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। हनन करना मतलब महिलाओं के से जो शोषण होता है, उन जो भी मुद्दे उसको त्याग देना, राष्ट्र की समृद्ध तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना, जंगल, सरोवर, नदियाँ, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक है, उनके पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना, जीवों को मारना नहीं, पर्यावरण की रक्षा करना, अधिक से अधिक पेड़ उगाकर, जंगल, सरोवर, नदी, इन सब का क्या करना, रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृद्धि का विकास करना, अनुसंधान मतलब टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, मानववाद मतलब लोगों के हित के लिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। क्या करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, जो भी सार्वजनिक मतलब सभी के लिए उनकी सुरक्षा करना, जैसे बहुत सी संपत्तियाँ होती जो सार्वजनिक होती, हिंसा का त्याग करना, लड़ाई झगड़े का त्याग करना,
व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और सिद्धियों को प्राप्त करे। अपने बच्चों को मुक्त, अनिवार्य और सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देने उनके माता पिता का कर्तव्य। माता पिता का यहाँ पर सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, वो अपने बच्चों को क्या करें मुफ्त। मैंने अभी आपको बताया शैक्षणिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त है अनिवार्य शिक्षा और सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना अनिवार्य है। भारत के प्रतिवर्ष 6 जनवरी को, देखो 10 दिसंबर 1948 को तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में बनाना निश्चय किया गया। तो हर वर्ष प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष 6 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, मूलभूत कर्तव्य दिवस। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान है। नागरिक कर्तव्यों का पालन के लिए नागरिकों की सजगता और जागृति लाने के लिए शिक्षक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। मतलब एक टीचर, एक शिक्षक को ये सारे कर्तव्य उनको बताने चाहिए। जैसे हमारे समाज में कुछ बुराई है, अस्पर्शता के इसको छुओ मत, ये नीची जाति का है, बेगार प्रथा है, बाल मजदूरी है छोटे बच्चों से करवाना, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है जाति को लेकर, दहेज प्रथा है, स्त्री भ्रूण हत्या मतलब लड़कियों को हत्या करना, अंधविश्वास, वहम, ये सब क्या स्थायी रूप से समाप्त हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है कि वो नागरिकों को बताए कि ऐसा कुछ नहीं होता। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालकों का किशोरों में व्यापक प्रचार प्रसार करें तो महत्व और उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त होगी और हमारे भविष्य के नागरिक कैसे हो जाएंगे, उत्कृष्ट होंगे। तो हमारे जो बड़े भाई बहन या टीचर्स को क्या करना चाहिए, इन मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उनको बताना चाहिए, जिससे क्या होगा, शोषण विहित समाज की रचना होगी, एक न्यायपूर्ण और शोषण विहित, जहाँ किसी का शोषण नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे, सभी अपने कर्तव्य का यदि पालन करेंगे तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, शोषण विहीन हो जाएगा। हमने देखा मूलभूत कर्तव्य के, हमारे कर्तव्य अधिकार तो हमको संविधान ने दिए थे, प्रशासन ने दिए थे, हमारे क्या क्या कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य कि परिवार पर्यावरण की सुरक्षा करना, सभी के साथ मित्रता का, अखंडता का भाव रखना, मित्रता का भाव रखना, देश की अखंडता के लिए कार्य करना, देशभक्ति दिखाना, जब देश को हमारी जरूरत हो तो हमको क्या करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। किसके अंदर आ रहा था, हमारे मूलभूत कर्तव्य के अंदर। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत को हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे कि राजनीति के जो राज्य सरकार बनाती है या केंद्र सरकार कोई नीति लागू करनी होती है तो उसके लिए कोई मंत्री या उसको कैसे मार्गदर्शक देता है, कौन कौन से उसको बताता है कि इसको कैसे बनाना है, कैसे लागू करना है, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।